इंदौर में नाइट स्ट्रीट फूड नाम मैंने बहुत सुना है और मन भी मेरा कर रहा है, भले रात हो जाए लेकिन एक बार सराफा फूड कोर्ट जरूर जाएं। तो चलिए हमारे साथ आप भी सराफा फूड कोर्ट में चलते हैं और वहाँ चल के घंटे दो घंटे स्ट्रीट फूड का नज़ारा भी लेते हैं और अच्छा लगा तो कुछ चखेंगे, क्योंकि चखना ही ठीक है। तो हम अपने एक मित्र के साथ सराफा फूड कोर्ट के लिए जा रहे हैं इंदौर में। आइए हमारा साथ दीजिए, आपका सराफा फूड कोर्ट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए रात भर घूमते हैं। ढेरो सैंडविच यहाँ देख पा रहे होंगे आप, तो सराफा बाज़ार का नाइट मार्केट एक्सप्लोर करते हैं हमारे साथ और आइए देखिए इसी सैंडविच से बना हुआ ये डिश। इसको उठा लीजिए। हाँ भाई उठाओ उठाओ उठाओ, देखो कैसा लग रहा है, उठाओ। ए खाओ खाओ। हाँ बताओ यार कैसा लग रहा भाई? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अरे वेरी गुड यार, नाइस। चलो भाई हम भी शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ये कितनी पुरानी दुकान होगी आपकी? सैंडविच को सर? हाँ सैंडविच को 20वां साल है, 19 साल कंप्लीट हो गया। अरे वाह, फोर्थ जनरेशन फूड लाइन है आप लोग। अरे वाह, बड़ा अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा टेस्ट आया। मैं प्रयागराज से आया हूँ आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सेवा का मौका दिया आपने। चलिए भाई थैंक यू। योर नेम प्लीज? आयुष गिरोठिया। आयुष गिरोठिया, इंदौर से ही हो? हाँ जी सर, इंदौर से। चलिए भाई थैंक यू। क्या बना रहे हैं? पापड़ी चाट है ये। चलो एक बार देख लेते, थोड़ी ले लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ी ले लेंगे। जलेबी? जलेबी तो मैं बोला भाई। हाँ भाई ओके ओके थैंक यू। ये देखो ये कितने आइटम, मिठाइयों के भंडार हैं पूरे। आत्मा तृप्त, और ये इनकी रबड़ी, ये पनीर फ्लाई, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, महाकाल महाकाल। फालूदा का हो गया पेमेंट? बहुत जोरदार फालूदा का पेमेंट हो गया। अरे क्या बात है, क्या बात है, जेठालाल स्पेशल। चलो जी थैंक यू। हाँ जी ओके जी। क्या बात है, अरे क्या बात है, एक ही हाथ में सारे पांचों आइटम, गजब गजब भाई गजब। कैसा लग रहा, टेस्टी है? गुड। हाँ भाई पीयूष देखो ट्राई करो।
सिद्धार्थ भाई, सॉरी सिद्धार्थ नाम है। ओके, ये सिद्धार्थ का नाम है भाई, पीयूष नाम नहीं है। कैसा लगा फाइन? ये कैंटो को कबीर बोल रहा है। ये वही वही एक रख के देना शुरू करो। क्या क्या फ्लेवर इसमें, कौन कौन सा है भाई? प्यारा सा जीरा, ये जीरा फ्लेवर दे रहे हैं आप भाई? अच्छा, अभी कौन सा देने वाला है? लहसुन। लहसुन का जी भाई। ओके, इसके बाद आएगा पुदीना। तो ये पुदीना आया तीसरे नंबर पे। नींबू, अच्छा इसमें तो केवल नींबू का पानी ही है। इसमें कौन सा था अभी आपका? जलजीरा। जलजीरा अच्छी गिरी अंडा मिला। ये कौन सा आया? हींग। लास्ट वाला क्या है? ओके, इसमें मिर्ची डाली, टमाटर डाला आपने? हाँ। कैप्सिकम और कैप्सिकम, कैप्सिकम शिमला मिर्ची आ गई, डाल दी हरी वाली। ओके, अब ये कौन आ गया? अभी नमक नहीं पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, नमक बाद में डालेंगे। ओके, अब ये फ्राई हो रहा है। ये फ्राई में कितना टाइम लेंगे? ये हो गया है? दो मिनट। अच्छा अच्छा, दो मिनट में तैयार हो गया। और इसको देते समय नमक डालेंगे कि अभी से डाल देंगे? अभी मसाले बाकी हैं। अच्छा, मसाले अभी बाकी हैं। चलो भाई बढ़िया। ये देखिए, योर नेम प्लीज़? नाम बंसल, प्रकाश बंसल। ओके, ये कौन बना रहे हैं मसालेदार? चलिए खिला दो आप। इसमें क्या क्या डाल रहे हो यार, ये तो बताया नहीं आपने मसाले में। इसमें नमक, लाल मिर्ची, जीरा, चाट मसाला। अच्छा, अभी तैयार हो गया। अब नींबू आया। अभी रेडी टू सर्व हो गया? कुछ और मिलाएंगे? अभी कुछ मिलाना और है? चाहिए पनीर, चिली, चिली चीज़ है। और ये धनिया पत्ती।
करने जा रहे हैं बंसल जी। ओके उठाओ भाई सिद्धार्थ। हाँ ले लेंगे ले लेंगे। सिद्धार्थ जी शुरू करो और बताओ कैसा है। चलो भाई शुरू करो, कैसा है टेस्ट इसका? बढ़िया। चलो भाई उठाओ भाई, देखो कैसा लग रहा है। हाँ कैसा लग रहा है टेस्टी? चलो भाई ओके कर दिया। इसको क्या क्रीम में फ्राई कर रहे हैं? इसको सर बटर में फ्राई कर रहे हैं। हाँ वही बटर। ये बटर कौन से, अमूल की ले रहे हैं किसकी? सर न्यूट्रोलाइट की चलाता है। हाँ न्यूट्रोलाइट की चलाता है। अच्छा न्यूट्रोलाइट की। अच्छा ये कुलचा है, ये कुलचा और ये साथ में छोला छोला है। ये आपकी पूरी प्लेट ऐसे लगी, ये पूरी प्लेट आ गई और ये हमारा छोला कुलचा हो गया। उधर देखिए छोला कुलचे। हाँ भी आइए, क्या खाओगे भुट्टे का स्वीट को? हाँ किसकान जी देखिए टेस्ट कैसा है भाई, बताइए सही है? चलो भाई सिद्धार्थ तुम भी चेक करो, नाना बोल रहे थे, देखो कैसा है। चलो भाई पंजाबी डिश जिंदाबाद टेस्ट है। ओ गुड। किसका है? हाँ इसको बंद करो, ये सही है। अभी कौन सा पानी दिया आपने? नॉर्मल रेगुलर जो। अच्छा नॉर्मल वो अपन सभी देते जाते हैं ना वो। हाँ वो वाला है। ये कौन सा है? वो आ गया पुदीना। पुदीना आ गया। अच्छा उधर देखो खाओ खाओ, एक एक तो खाओ भाई, बाकी हम लेंगे। ये नंबर तीन आ रही है हींग। ये नंबर तीन आ गई हींग। हम लास्ट वाले लेंगे सारे। अब आ रही है जीरा। जीरा चलो। इसके बाद आ रही है लहसुन, गार्लिक पेपर। अब आ रही है नींबू पानी। नींबू पानी लो भाई, नींबू वाला पानी लो। अब आ रही है प्याज, ऑनियन टाटा। ऑनियन चलो भाई देखते हैं। अब आ रही अदरक, जिंजर, अदरक। अब आ रही ढक्का मीठा, हाजमाजम, हाजमोला। अच्छा हाजमोला है ये। ढक्का मीठा भी बोल सकते हैं, हाजमोला भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा अब आ रही है तेरी बना, तो तेरी देना बना। बच्चा दस्ता मिला नींबू और पानी मिलाते तो उससे तेरी तरह बनता है, इसको मेरी बोलते हमारा। अब आ रही है अंगोरी मलाई, बोले तो पेरू रामपाल। उसमें केवल अमरूद ही है? ये अमरूद से पूरा पीटा हुआ रहता है अमरूद मीठा। उसमें जो मसाला डाला उसके ऊपर मैंने पानी डाला अपने मसाले पानी पीने वाला पानी। अब आ रही है ब्लैक चरण, ये मेरे अलावा आप तो दही भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसको बनाने में दो दिन लगते हैं। ब्लैक चरण इसको जाने के बाद लगता है चरण। अब आ रही है टमाटर, अब आ रही है मेरे नाता स्पेशल नंबर ग्यारह। क्या नाम है? ग्यारह नंबर शाही रेजुला, इसको नंबर ग्यारह बोलते हैं। टेबल का नाम ही नंबर ग्यारह क्योंकि इसमें ग्यारह नंबर की स्पेशल मिलती है। किस चीज़ का है ये? दाली मिलती, दाली मिलती वो। अच्छा और ये बोले तो स्पाइसी रहता। अच्छा ये क्या है? अब आ रही है कांजी बड़ा, कारी पे है कांजी बड़ा। बहुत सही यार, छोड़ दो देखे भाई कांजी। ये अखरोट का हलवा और ये रहा अखरोट का हलवा, ये कैसे बनाया है आपने इसको? सर ये दूध अखरोट और शक्कर वगैरह सब मिक्स होकर देसी घी में बनता है। देसी घी में बनता है अखरोट का हलवा और ये रहा चटोरी गली में 80 रुपए का। ओके भाई अब चवाओ, कहाँ से आए? लो भाई पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
क्या स्मोक में धुआं निकलेगा? आग आग निकलेगी, स्मोक में धुआं, फायर पान में आग। फायर पान में धुआं वाला अलग है, फायर वाला अलग है। कौन सा धुआं खाओगे? आग नहीं खाओगे? सोच लो भाई, खाली धुआं वाला खाओगे, आग वाला नहीं खाओगे? आग तो जाके बंद हो जाएगी क्या? आप वो अलग बात है, जो भी है। चलो भाई शुरू कराओ भाई, इनकी धुआं निकलने चाहिए। ये कितने दिन से धुआं निकाल रहे हैं आप? लगभग 8 साल से धुआं निकाल रहे हैं सबकी। चलो भाई हाँ भाई हाँ, खाली धुआं ही निकाल रहे हैं। कितने में निकल जाता है धुआं? ज़्यादा नहीं, 50 में धुआं निकल जाता है। वेरी गुड, चलो भाई। और आग भी उतने में निकलती है? जी सर, आग भी उतने में निकलती है। और बाकी पानों का क्या हाल है? सर मीठा पान हमारे 25 रुपये का है, चॉकलेट फ्लेवर 20 रुपये के हैं। अच्छा, रीजनेबल रेट है, ज़्यादा नहीं। अच्छा अच्छा ओके, उधर वाले चॉकलेट वाले 20 रुपीज़ के हैं? सर 30 रुपीज़। इधर 25 वाला 25। अच्छा 25 वाला है। सर धुआं रेडी हो गया है? ओके भाई, धुआं आना चाहिए। तेरे के धुआं आ रहा है, धुआं आ रहा है, टक 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 टक। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही यार। रेलगाड़ी का इंजन है पूरा दिया जा रहा है, बहुत सही है। ये देखो धुआं, वाह भाई वाह, धुआं कम हो गया। चलो भाई धुआं कम, पैसा वसूल। ओके भाई, दिस इज ए स्मोक पान। इस चटोरी गली को छोड़ के जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्या किया जाए, पेट एकदम हाउसफुल है। तो फिर हम लोगों ने निर्णय किया रात के 12:30 बजे कि चलिए भाई अब द एंड करते हैं और चटोरी गली को अलविदा कहते हैं, और यहाँ से फिर हम रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह इंदौर शहर को अलविदा कहेंगे। तो आइए यहाँ से चलते हैं। अगले दिन सुबह सुबह हम सभी बड़े गणेश जी के दर्शनार्थ मल्हारगंज में आ गए, और मल्हारगंज में ही हमें कुछ स्पेशलिस्ट लोग मिले जो डॉक्टरों से इतर कार्य कर रहे थे, तो उनसे भी हम आपको मिलाते हैं। यहाँ के बारे में बताइए, चोट वगैरह के बारे में कुछ बताइए, क्या है इंटरव्यू बताइए सब। जो चोट वोट लगता है तो कैसे सही करते हैं आप लोग, और कितने दिन से कर रहे हैं ये? करीब हो गए हम के ये दुकान दुकान और आप अपनी बताइए। करीब हो गए 85-90 साल के। अच्छा अच्छा, आप अपना पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम गोविंद कसेरा है। अच्छा, और आप अपना बताइए। मेरा मोहन कसेरा। अच्छा जी मोहन जी, ये मतलब फ्रैक्चर वाला काम पूरा आप देख लेते हैं आप लोग? फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, हाँ हाँ, और नसों के कुछ काम हैं। अच्छा, जो सारे नस वगैरह इधर उधर चढ़ जाते हैं, साइटिका वगैरह भी कर लेते हैं? बिल्कुल ठीक है ना। हाँ मिलूंगा ना। हमारे श्यामलाल जी को साइटिका है भाई, इनको जो है सही करो, फिर मुझे बताना आप कि आपका काम हो गया। आप जैसे कोई मेहमान नहीं है, परिवार नहीं, परिवार है लेकिन साइटिका से इफेक्टेड है ना आज तक। तो अब आप आइए तो ठीक है भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा लगा आप लोगों के इस प्रोफेशन को देख। संजू कसेरा। चलिए भाई, क्या करते हैं? अपना हार्ट बेड का काम है, मसाज वगैरह, नस बिठाना। अच्छा, आप भी वो इसी काम में लगे हुए हैं? हाँ। और ये आपके जो है इनके भाई, इन्होंने और बताया संगीत की पूरी फैमिली है आपकी? हाँ बिल्कुल सही। तो ये म्यूजिक वाले एक एक से बच्चे इनके म्यूजिक में आगे डेवलप हो रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनका बच्चा तो बहुत आगे। हाँ, तो सबसे अगली विजिट में सारे बच्चों से भी मिलेंगे। तो चलिए अब हम यहीं पर, चूँकि समय कम है, हमें ट्रेन से जाना है, सॉरी भाई, दोबारा मुलाकात हम करते हैं। और श्यामलाल जी ड्यू है पूरा भाई, पहले हम आएंगे तो यहीं आए। परशुराम जी हैं और इन्होंने ही हमें पूरा इंदौर घुमाया, और इनका नंबर मैं अपने ब्लॉग में दे रहा हूँ, आप इनकी सेवाएं लीजिए, बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं ये। तो ठीक है भाई, दोबारा फिर मिलेंगे परशुराम जी। ओके भाई, नमस्कार।